आजकल जो राज कर रहे हैं वो है हुमायूं सईद। हम ना चाहते हुए भी उनको नहीं भूल सकते, बिकॉज ही इज़ आवर चॉकलेट हीरो, द मोस्ट रोमांटिक हीरो। वो हमारा शाहरुख खान है, द वन विद पपी आईज। तो उनके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखें, हुमायूं सईद का अभी एवरेज टाइम पीरियड चल रहा था, तब भी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ड्रामास दिए। हाँ। तो अभी उनका दोबारा से लकी टाइम शुरू हो जाएगा दिसंबर 2021 से, और वो 1.5 से 2 साल का फेज़ चलेगा। तो मुझे तो उनका टाइम पीरियड मज़ीद बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे और दोबारा से अपना नाम बनाएंगे। वैसे एक बात बताओ, ये राज क्या है? हमारे एक्टर्स जितने बुढ़े होते जा रहे उतने प्यारे होते जा रहे, व्हाट इज दिस? ये तो डाइट का राज है। ये डाइट का राज है। आपको क्या लगता है हुमायूं सईद के बारे में? हुमायूं सईद के इतने ज़बरदस्त कार्ड्स हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऑब्वियसली इतने सीनियर हो गए हैं। नहीं करे यार, नहीं करे सीनियर, नहीं वो भी जवान है लेकिन सीनियर है ना, उनको ज्यादा उम्र का चाहिए। मैं बात नहीं कर रही, लेकिन उनके काम के लिहाज से अगर मैं कहूँ काफ़ी सीनियर हो गए। हाँ जी। तो मेरे पास कार्ड्स में शो कर देती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, और ये टैरो कार्ड्स में ज़बरदस्त और बेस्ट कार्ड्स कहे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो या तो उनकी प्रोटेक्शन में और फाइनेंशियली और उनका जो काम है वो और ज़्यादा जो है मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मैच्योरिटी नज़र आ रही है, और वो स्क्रीन पर मुझे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, आते रहेंगे, उनकी अपीयरेंस जो है वो होती रहेगी। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।